मेरा सवाल नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री आप कैसे देखते हैं? सच कहूँ तो वो निहायती ईमानदार व्यक्ति है, ये बात सबको पता है, विपक्ष को भी पता है कि नीतीश कुमार जी पे आज तक करप्शन का एक भी दाग नहीं लगा। 20 साल कोई मुख्यमंत्री, 19 साल हो गया उनका, 19 साल कोई मुख्यमंत्री, हालांकि 2013 के बाद पार्टी बदला, दल बदला, सरकारें बदली बिहार में, ये बात सत्य है और ये आरोप जो है सभी ने लगाया, लेकिन नीतीश कुमार जी ईमानदार है, पहला चीज़ उनके अंदर ये क्वालिटी है। दूसरा चीज़ नीतीश कुमार जी के अंदर ये है कि वो इंडी गठबंधन में थे उस समय जब आपके भी चैनल के एक दो पत्रकारों का नाम जो है इंडी गठबंधन के लोगों ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया था और सारे चैनलों के 16 पत्रकारों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया, उस समय भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पत्रकारों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो नीतीश कुमार जी के अंदर कुछ खासियत है, ये बात सत्य है। और उसी खासियत में बिहार में जो बाहर कहते हैं नीतीश कुमार हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत है और वो सुधार जो है हम सभी मिलकर करेंगे। ये सुधार ये है कि वो जो बयार है इधर उधर चलती रहती है, नहीं अब इधर उधर नहीं चलेगी, अब नीतीश कुमार जी ने भरे मंच से जो है मोदी जी को झुक के प्रणाम करते एकदम 100%। मैं विपक्ष तो ये कहता है कि भाई इसका दावा तो नहीं, पहले ये जो कहना चाहते हैं, नहीं नहीं मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अब हमारे नीतीश चाचा जी जो हैं हम लोग गार्जियन मानते हैं उनको, और मैं जेल से निकलने के बाद भी जो है मैं हमेशा जो है अच्छा ही बोला हूँ उनके बारे में, कभी गलत नहीं बोला हूँ। तो वो अब कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे और अब समझिए तो फेविकॉल के जोर से भी ज़्यादा मजबूत जो है एनडीए का गठबंधन है और नीतीश कुमार जी जो है उस गठबंधन के मुख्य सारथी, मुख्य पार्टी में से, घटक दल में से एक है, मुख्य साथी में से एक है और वो इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में विकास के लिए कई लोग अपनी तरफ से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़ी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पूर्णता तक तो पहुँचती नहीं है, इसलिए हम उन्हें पहुँचेगी, हम सभी मिल के पहुँचाएंगे, इसीलिए मेरा सवाल था। चाहे वो चिराग पासवान हो, युवा भी हैं और विजन भी बड़ा रखते हैं, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, प्रशांत किशोर का जिक्र कर लीजिए, वो भी यही कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से बदलाव होना चाहिए, बिहार को जहां अब तक पहुंच जाना चाहिए वहां से कोसों दूर है, तो अच्छे लोगों की ज़रूरत राजनीति में है। अब अच्छे लोग के तौर पर मनीष कश्यप अगर इसके साथ जुड़ रहे हैं, आप उन लोगों से अलग खुद को कैसे दिखाएंगे? देखिए सबका अपना काम करने का यूनिक तरीका होता है, अलग तरीका होता है, वो लोग भी काम कर रहे हैं अलग तरीके से कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम करेंगे। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कार्यकर्ता हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हम लोगों को बोलेगी उस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हाँ ये बात सत्य है ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे कुछ गलत है तो मैं उस चीज़ को सुधारने के लिए अपने लेवल से भी प्रयास करूँगा और ईमानदारीपूर्वक प्रयास करूँगा, और पहले भी आवाज़ उठाता था, अभी भी आवाज़ उठाता हूँ और आगे भी आवाज़ उठाता रहूँगा, लेकिन हाँ हमारे जो सीनियर है उनके साथ हम लोग मिल के काम करेंगे, डिस्कस करके काम करेंगे, बातचीत करके काम करेंगे, और मैं प्रमुखता से बिहार में जो बाढ़ आता है उसके लिए मैं प्रमुखता से आवाज़ उठाऊंगा, और मैं वादा करता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर जो है बाढ़ पे तो 1 साल के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा और 5 साल के अंदर अंदर हम लोग बाढ़ पे कुछ हद तक जो है नियंत्रण पा लेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। जब एक यूट्यूबर के तौर पर ग्राउंड पर जाते थे तो उनका बहुत सारा बयान जो है मुझे याद है, उनमें से एक दो बयानों का जिक्र मैं करना चाहूँगी। आप कहते थे कि भाई ब्रिटिश काल में बने हुए पुल बड़े मजबूत हैं जो आज भी टिके हुए हैं, लेकिन अभी के पुल पुलियों का पता नहीं कि आज है तो कल होगा या नहीं। मैंने ये बोला है उद्घाटन से पहले भी गिर सकता है, बहुत सारा पुल गिर गया, ये बात सत्य है, तो उसी को हम लोग सुधार करवाने का। अब तो बिहार के ठेकेदार ऐसे भी डर गए होंगे मनीषवा पावर में आ गया है। अच्छा, ये इस पावर की जरूरत थी। हाँ, पॉजिटिव पावर की, निगेटिव पावर की नहीं, पॉजिटिव पावर की। जैसे राम के पास पॉजिटिव पावर था और रावण के पास निगेटिव पावर था, ठीक है, पावर दोनों के पास था, लेकिन एक निगेटिव था तो वो खत्म हो गया, एक पॉजिटिव था तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। कंस के पास पावर था, श्री कृष्ण के पास पावर था, कंस के पास निगेटिव पावर था, श्री कृष्ण के पास पॉजिटिव पावर था, तो निगेटिव का खत्म होना एकदम 100% है। तेजस्वी जी के पास भी पावर था, मेरे पास पावर नहीं था तो अब पावर आ गया, तेजस्वी जी ने निगेटिव पावर का इस्तेमाल किया, मेरे ऊपर एनएसए लगवाया, मुझे जेल में डलवाया, तो आज देखिए उनकी सरकार गिर गई। तो कहीं भी पावर का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से कीजिए, नकारात्मक रूप से नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे भी बिहार के कुछ ठेकेदार अब कुछ तो खौफ में होंगे और कुछ इंजीनियर भी कि हाँ अब जो गलतियां हमने किया अब जो है हमें वो गलतियां नहीं करना है। अब बताइए 5 रोड मैप बताइए अब क्या। देखिए बाढ़ पे तो मुझे काम करना है
और जो ग्राउंड लेवल की आपने बात किया, ठीक है, वहाँ पे अच्छे ढंग से प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है, तो इसलिए सरकारी दफ्तरों में थोड़ा सा करप्शन बढ़ा है, ये बात सत्य है। उसके वजह से जो है बिहार में गरीब परेशान होते हैं, तो वो करप्शन को दूर करना है, उसको जो है सामने लेके आना है, उसको किसी भी हाल में दूर करना है। जैसे शौचालय वौचालय जो नरेंद्र मोदी जी 12,000 रुपया यहाँ से देते हैं, वहाँ पर जो है कुछ अधिकारी, कुछ ग्रामीण लेवल के जो नेता हैं कुछ, वो तो थोड़ा सा करप्शन हो जाता है, तो दिक्कत होता है, ये बात सत्य है। ऑन कैमरा पहला दिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो हम लोगों से जितना होगा उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास तो किसी ना किसी को करना होगा ना, शुरुआत तो किसी ना किसी को करना होगा ना। हमें मौका, आपको क्या लगता है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, और उसकी खामी कहीं कमी नजर आती है? देखिए, पहले तो विपक्ष का मजबूत होना एकदम सही है, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहे तब तो अब विपक्ष को मौका मिलता है, लोग मौका देते हैं, और अरविंद केजरीवाल सारा घोटाला कर लेते हैं, एक पे एक फ्री देना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फंसते हैं तो अपने दो साथियों का नाम भी रख देते हैं कि ये दोनों मुख्यमंत्री ना बने, हमार मेहरारू का रास्ता क्लियर रहे, ये चीज़ है। तो वैसे विपक्ष तो मजबूत नहीं होगा। राहुल गांधी का स्थिति देखिए, अभी रॉबर्ट वाड्रा जो है पूरा यूपी में जो है अनेकों जगहों पर लगा दिए हैं कि अब रॉबर्ट वाड्रा चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी सोच नहीं पाते हैं, सोचते हैं अंग्रेजी में, बोलते हैं हिंदी में, टंग स्लिप हो जाता है। आप देखिए तो कहाँ से मजबूत होंगे। आप देखिए तेजस्वी यादव जी, 9वां क्लास से ज़्यादा तेज लड़का अगर उनके टीम में कोई जुड़ जाता है तो वो जोड़ना नहीं चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जी देखिए, बाला साहब ठाकरे जी के बेटा, उनको होना को कहीं इसलिए तो नहीं भेज दिया गया दिल्ली, उनको होना चाहिए था। तेजस्वी यादव तो मैंने तो भाई 3 महीना पहले इंटरव्यू में कहा था तेजस्वी यादव जी कन्हैया कुमार का बिहार में एंट्री नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और संदीप दीक्षित जो है दिल्ली में एंट्री नहीं होने देना चाह रहे हैं, कन्हैया कुमार करे तो करे क्या। तो विपक्ष इस तरीके से तो विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता है, और कभी भी नहीं मजबूत हो सकता। विपक्ष उस समय मजबूत था जब अटल जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उस समय विपक्ष मजबूत था, और विपक्ष उस समय जो है सवाल जो विपक्ष का होना चाहिए था वो करता था। आज विपक्ष का जो सवाल होना चाहिए वो नहीं करता। आज विपक्ष जो है पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो जाता है, चीन के समर्थन में खड़ा हो जाता है, चीन में जाकर मीटिंग होता है, कहता है कि आप लोग रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप कैसे नहीं से आए ना? करके आप पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कौन हिंदू मुसलमान करता है आप बताइए, शुरू कौन करता है? हम राम मंदिर की बात करते हैं, हम राम मंदिर को विकास से जोड़ते हैं, 1,00,000 करोड़ का एक दिन में जो है भारत में जो है धंधा हुआ, एक दिन में जो बजट बढ़ गया, भारत का शेयर मार्केट बढ़ गया राम मंदिर की वजह से, उस पर तो ये लोग चर्चा करेंगे नहीं। हाँ, कहीं कोई आतंकवादी पकड़ा गया उसके समर्थन में रोना शुरू कर देंगे, कहीं कोई देश विरोधी ताकत जो है उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है 12 बजे खुलवा देंगे, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है वैसा विपक्ष भारत में अब मजबूत नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आपको खींच के फिर वहीं लाते हैं, आपने एक चीज बोला बदलाव, 5-5 मुझे 10 बिंदु चाहिए। अब बिल्कुल पब्लिक फोरम में है ये सारी चीजें, लोग देख रहे हैं, 5 चीजें जो कि बिहार में अभी तुरंत बदलने की जरूरत है, ठीक है।